राज्य भयंकर स्थिति रे कोरोना संक्रमण आज भी हजार उपरे आक्रांत चिन्हट गत 24 घंटे रे राज्य रे 1379 पॉजिटिव बाहर छनते चिन्हट संक्रमित को मध्य रे क्वारंटाइन 808 होतबा बले लोकल केस रहिछि 571 तेबे सुंदरगढ़ सर्वाधिक 317 संक्रमित चिन्हट होछनते सेपरि खोर्धारु 158 नुआपडारु 19 क्षमा करबे 90 पॉजिटिव चिन्हट होछनते संबलपुर 86 नवरंगपुर 71 बरगढ़ 68 कटकु 56 बलांगीर 54 मयूरभंज 79 रही पुरी 43 गंजाम 31 आक्रांत चिन्हट होती से झारसुगुड़ा 42 भद्रक 36 बालेश्वर 33 एभली भाव में जहाँ आज सूचना रही कि ये पॉजिटिव चिन्हट होती तेज सुंदरगढ़ और खोर्धा जिले में रेड जोन वर्तमान अच्छी जहाँ सूचना रही तेज संपर्कित अधिक सूचना पे आम सहित भुवनेश्वर फोन लाइन जो प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती दिव्य पुणी जदि कह चिंता बढ़ुच्छे कहीं आज 1379 पॉजिटिव चिन्हट होती क्योंठ ना क्योंठि राज्य सरकार चिंता द्विगुणित हो अंपटे सुंदरगढ़ सर्वाधिक जदि कह आज 317 पॉजिटिव चिन्हट होती दिव्य आप शुणीपुर जो भाई भाव में प्रत्येक दिन बर्तमान हजार उपरे कोरोना आक्रांत संख्या रोचे राज्य में आज जब देखा राज्य में 1379 पॉजिटिव चिन्हट एवं सुंदरगढ़ सर्वाधिक 317 पॉजिटिव निश्चित भाव विस्मी क्यों ना क्यों आप देखिए राज्य में संक्रमण गोटे प्रकार सांघातिक स्थिति आड़ जाता अस्वीकार करान पारे विशेषकर आप देखिए सुंदरगढ़ जिले में संक्रमण संख्या गत काल आज कम अच्छी किंतु जो संक्रमण संख्या चिंताजनक रही 370 रही संक्रमण संख्या जहाँ सर्वाधिक रही राज्य में समस्त जिला अपेक्षा सुंदरगढ़ जिले में संक्रमण स्थिति बेस चिंताजनक रही अंपटे खोर्धा जिले में देखिए गत काल कम अच्छी किंतु यह भी क्यों ना क्यों गोटे संगीन दिग आड़ को राज्य को कारण खोर्धा हूँ राजधानी रही भुवनेश्वर राजधानी हॉटस्पॉट हिसाब से गणना हूँ दुईट जाक जिला बर्तमान रेड जोन को जाऊँगी 370 रही खोर्धार 158 ए दुईट जिले में बर्तमान व्यापक सचेतन होगा आवश्यक रही लोक मैंने अधिक सचेतन हो कि कोरोना गाइडलाइन मानवे से दिगरे निजक सचेतन कराइबार आवश्यक रही छा अन्य जिला गुड़ी आप देखिए बरगढ़ 68 रही भद्रक 36 रही बलांगीर 54 रही बालेश्वर 33 रही यही भाव में आज जो सर्वमोट 1379 संक्रमित चिन्हट होती क्वारंटाइन केस 808 रही लोकल कंटाक्ट केस 571 रही किंतु यार भितर सब बड़ चिंताजनक विषय होउची जे लोक मैंने सचेतन न होगा लोक मैंने सचेतन हो ना एस एस टी अधिक बढ़ी जाऊँगी जो सरकार विभिन्न समय सचेतन कराऊ मुख्यमंत्री निजे कहते जे मास्क पिंधापी जो 14 दिन धरी मास्क अभियान आरंभ कराई मास्क लोक पिंधे घर बाहर समय मास्क पैकिंग कड़ाकड़ी कराऊ अंपटे आज आरंभ हो टीका उत्सव अंपटे देखा कि कोरोना संक्रमण बर्तमान हु हु बढ़िवार चलिए राज्य स्थित राज्य सरकार चिंता द्विगुणित बढ़ुनि तो निश्चित भाव प्रवासी मैंने पुणी थे फेर आरंभ कले तो से दिग्वे सरकार यथासाध्य कौन पदक्षेप नहीं ना प्रवासी मान जो आसमकर सेमती आखि दृश्या कौन टेस्टिंग करा जाऊनी गोटे प्रकार टेस्टिंग करा जाऊनी एसबू क्षेत्र में कौन ना कौन सरकार विच्युति स्वास्थ्य विशेषज्ञ मैंने कही सारे और सब बड़ कथा हूँ जहाँ स्वास्थ्य विशेषज्ञ मान आकलन रही आगामी दिन में आउ खूब कम दिन भितर राज्य में आप देखिए 26,000-30,000 संक्रमित दैनिक हिसाब से चिन्हट हो जहाँ सब बड़ गुरुतर प्रसंग जे जदि यही स्थिति उपजे ताल या मुकबिला केमी कारण आमर से अभिज्ञता ना आमर जिते बड़े कोरोना पिक आम राज्य में से समय आम राज्य सर्वाधिक 5,000-6,000 संक्रमित चिन्हट होती जदि 26,000-30,000 संक्रमित चिन्हट हे कि मुकबिला से दिखे आमर कौन अभिज्ञता ना अंपटे आप देखिए ये जो संक्रमण बढ़ुची सब अधिक टेंशन हो जो मैंने संक्रमित होती 90% लोक होती लक्षण विहीन लोक
ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉନି, ସେମାନେ କୌଣସି ନା ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେଉଛି ନା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କରୋନା ଲକ୍ଷଣ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାହାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସରକାର ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଜିଠୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବେଡ୍କୁ ପଢେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି। ତା ସହିତ କିଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତମାମ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଦେଖିବା IAS ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କୁ ନୂଆପଡା ବଲାଙ୍ଗୀର ବରଗଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଭଳି ଚିତ୍ରା ଅରୁମୁଗଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଓ ସୋନପୁର ଦାୟିତ୍ୱ, ଅନୁଗଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପିକ୍ରେ ଥିଲା କରୋନା। ସେଭଳି IAS ଅନିଲ ସାମଲଙ୍କୁ କଟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ନିକୁଞ୍ଜ ଧଳ ଯେ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଚିନ୍ତା ବଢିଛି, ଯେଉଁପାଇଁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ DMT ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ସେଠି ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯୋଗାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଲୋକମାନେ କିଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହେବେ। ସରକାର ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଏକଥାକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ସରକାର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 2 ଦିନ ତଳେ କହିଲେ ସରକାର ବାହାରେ ଯଗୁଛନ୍ତି, ଘରେ ମା ମାନେ ଜଗନ୍ତୁ, ତ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ ଯଦି ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ସଚେତନ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଅଛି, ସଚେତନତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟରେ 1000 ଉପରେ ରହୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିବ୍ୟା ଆପଣ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।